हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ यहां पर हम आपको बताने वाला हूं कि गेट 2021 जो अभी गेट 2021 जो आपका जो आ रहा है 21 का एग्जाम, उस एग्जाम में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, है ना। 21 में जो चेंजेस है वो आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कर रही है, आपको ऑलरेडी पता है। हम ये सब चीजों को नहीं बताएंगे आपको कि जो है ये टॉपिक, बट जो कुछ स्लाइटली चेंज किया गया है सिलेबस में, एज इट इज सिलेबस नहीं है, स्लाइटली चेंज किया गया है, बट इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस शुरू के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो शुरू से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते चले जाइए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में अगर हम बात करें तो ईएनटी के पहले सिलेबस में थोड़ा सा लिखता था वेक्टर एनालिसिस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक। ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक, ये जो पार्ट है आपका वो नहीं लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो बताओ मैक्सवेल इक्वेशन समझ में आएगा क्या? मैक्सवेल इक्वेशन से ऑनवर्ड सिलेबस में लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें मैक्सवेल इक्वेशन पर आपको समझने के लिए ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको आएंगे मैक्सवेल इक्वेशंस में, क्लियर है क्या? सो ओवरऑल सब पढ़ना वही है दोस्तों, लिखते नहीं है बट पढ़ना सब कुछ वही है। जैसे आप इनर सर्विसेज के ईसी वालों का अगर देखें तो वहां नहीं लिखता है कि सिग्नल सिस्टम पढ़ना है, बोल देता है सिग्नल सिस्टम नहीं पढ़ना है, और सिग्नल सिस्टम नहीं पढ़ना है उसके जगह पे बोल दिया आपको कि जो है डिस्क्रीट एनालिसिस का पढ़ना है, आपको डिस्क्रीट टाइम डोमेन पढ़ना है। तो भैया कॉन्टिन्यूअस समझ में नहीं आएगा, डिस्क्रीट कहां से समझ में आएगा, सो बताइए। तो सेम एजुडी पढ़ना सब कुछ है, ओवरऑल ब्रह्मांड सब पढ़ना है, समझ में आ रहा क्या? छोड़ना कुछ भी नहीं है। गेट का सिलेबस हाउएवर बहुत छोटा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो गेट का सिलेबस बहुत छोटा है ऑलरेडी। और यहां पर देख रहे हैं कि कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे क्वेश्चंस आपके श्योर आते हैं और जो क्वेश्चन बनते नहीं है ना, तो वो सब टॉपिक्स जो है आप थोड़ा सा अच्छा सा करेंगे। देखो ईएमटी में थोड़ा सा जो ऐड किया है, जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ईएमटी में थोड़ा, देखो ऑप्टिकल तो पहले से भी था, बेसिक ऑफ ऑप्टिकल, बट ओएफसी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में आप अगर पढ़ना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको बता दूंगा। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा रडार जो है वो थोड़ा सा देख लेना, बेसिक वाला टॉपिक रडार का, ठीक है ना। रडार एंड ओएफसी एंड वेव प्रोपागेशन, ये ईएमटी में तीन चैप्टर है। ये वेव प्रोपेगेशन में वो क्रिटिकल एंगल जो वगैरह निकालते हैं, MMUF = FC × secant law, वो सब जो एडवांस कम्युनिकेशन का टॉपिक्स है। सो दीज ऑल आर द एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक्स। सो एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक्स जो है वो थोड़ा सा ईएमटी में घुसा दिया अंदर, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। दूसरा डिजिटल में बहुत चेंजेज आए हैं। डिजिटल सर्किट में अगर देखो आप सिलेबस को, तो डिजिटल सर्किट में जो है सीएसओ का पार्ट जोड़ दिया है, और जोड़ना भी चाहिए क्योंकि सीएसओ पूरा कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ये मेजर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ही है, कहां पर? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिस्टम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से जो है यहां सिलेबस ही बना दिया था इसने। और ईएस में कौन कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, डीबीएमएस का पार्ट भी है और आपका सीएसओ का पार्ट भी है, और ये सब सारे पार्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं कहां पे? कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। बट ये किसके लिए था? इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए था, ईएससी के लिए, यूपीएससी ईएससी के लिए। बट सीएसओ जो कंप्यूटर साइंस ऑर्गेनाइजेशन यहां पर जो एड किया गया है बहुत कम ऐड किया गया, आपको सिर्फ पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यहां पर जो आपको पढ़ना है पाइपलाइनिंग हो गया, ALU होगा एल्गोरिथम, थोड़ा सा बेसिक ऑफ, है ना, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा देख लेना, एंड बेसिक ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये ऐड किया गया सिलेबस में। अच्छा थोड़ा सा जो आपको मैं जो ऑलरेडी वीडियो जो बना चुका हूं, देखो कितना इंपॉर्टेंट इसमें आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि आपको मैं बोला था कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम IEEE
जो 754 का कन्वेंशन है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम, इस पे अगर आपको समझ में नहीं आता देखो मैं दोनों प्रेसिजन फॉर्मेट पढ़ा दिया हूं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम्स का सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट एंड डबल प्रेसिजन फॉर्मेट, उससे क्वेश्चन भी करवाया हूं उसमें, वीडियो लेक्चर में जाके देखिए मेरा वीडियो में मिल जाएगा आपको। IEEE 754 सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट, IEEE 54 आपका जो है डबल प्रेसिजन फॉर्मेट। सो सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट एंड डबल प्रेसिजन फॉर्मेट इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको भी मैं करवा चुका हूं, उसको जाकर आप जरूर देख लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे डिजिटल सर्किट्स में। सो डिजिटल सर्किट्स में बहुत मेजर टॉपिक्स को चेंज किया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डिजिटल सर्किट को चेंज किया गया है। अच्छा ईडीसी और एनालॉग पूरे थ्रू आउट पढ़ जाओ, सब भूल जाओ, समझ में आ रहा क्या, जो जितना पढ़ना था वो सारे कुछ पढ़ना है। नेटवर्क में एक दो पैरामीटर को इधर उधर किया बाकी सब वही है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बाकी सब वही, कहीं पर भी कुछ चेंजिंग नहीं है, सिग्नल सिस्टम बाकी सब कुछ वही है, कुछ टर्म जो है ऐड किए हैं फिल्टर्स, तो फिल्टर पहले भी पढ़ना था, तो फिल्टर पहले पढ़ना था कौन कौन सा, FIR और IR। आप क्या करो तुम फिल्टर में जो है इसके साथ में चेबीशेव भी पढ़ दो, चेबीशेव एंड बटरवर्थ ये दोनों पढ़ दो, अगर चेबीशेव और बटरवर्थ फिल्टर पढ़ लिए दो है ना तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर चेबीशेव और बटरवर्थ फिल्टर आपको पढ़ना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करें या आप जो कमेंट सेक्शन में लिखें तो मैं चेबीशेव और बटर फिल्टर पे आपको बना दूंगा। IR और FIR फिल्टर भी पढ़ना है तो इस पे भी मैं बना दूंगा, FIR फिल्टर IR फिल्टर पे है ना वीडियो, जो चाहिए आप बताओ मुझे मैं आपको दूंगा है ना। आई हैव ए लॉट ऑफ कंटेंट सो डोंट वरी। तो कंटेंट की टेंशन नहीं लेना मेरे प्लेटफॉर्म पे, कंटेंट की टेंशन ही नहीं है ना, सारा एग्जाम दुनिया जितना भी इंडिया में जितने एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स के रिटर्न क्लियर किया हूं मैं, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस को ध्यान में रख के पढ़ते रहना है दोस्तों आपको, पाइपलाइनिंग ALU बेसिकल आर्किटेक्चर जितने भी ऐसे कंपोनेंट को पढ़ना है ये सब पे अगर आपको चाहिए वीडियो लेक्चर तब भी आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं उस पर भी आपको बता दूंगा। फॉर्म आपका निकल चुका है, आप इंटरनेट पे ऑलरेडी डेट देख चुके हैं इसलिए बताने की जरूरत है नहीं। दूसरा चीज आपको मैं ये नहीं बताऊंगा दोस्त कि क्या पढ़ना है, ये बता दिया मैंने, ये नहीं बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, मैं फिर से बोला आपको आपके ईच एंड एवरी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, सो वी शुड डू और ईच एंड एवरी टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक को जो है छोड़ना नहीं है मुझे। दूसरी चीज ध्यान रखेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन में जो है कुछ चीजें चेंज हुआ है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो ऑलरेडी अच्छा सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम में आप क्या करते हो AM और FM पढ़ते रहते हो, AM FM भैया बहुत कम आते हैं, एक दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आने वाले। जो मेजर टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम में वो आपका है रैंडम वेरिएबल। अगर आप मेरा कम्युनिकेशन क्लास कहीं भी ऑफलाइन किए होंगे तो आपको नोट्स बहुत शानदार दिया हूं, रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूं ये। दूसरा चीज मैप ML क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मैं वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे जो है कमेंट सेक्शन आप मेरे जाइए वीडियो लेक्चर में आपको दिख जाएगा मैप एंड ML क्राइटेरिया। सो मैप फॉर ML क्राइटेरिया बीट एरर रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, बीट एरर रेट हो गया, उसके बाद फिर हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पार्ट एकदम ढूंढ के करना है आपको, बहुत ज्यादा बनाना है मैपिंग क्राइटेरिया है ना। इसके अलावा क्वाम है ना, उसके बाद म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी का केस है ना, पहले क्या था म्यूचुअल नहीं था लेकिन म्यूचुअल भी है ना, तो म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी का म्यूचुअल पीडीएफ सीडीएफ ये जितने भी है म्यूचुअल पीडीएफ है सीडीएफ है दिस ऑल आर पैरामीटर्स, जितने भी पैरामीटर्स है सारे जो है अच्छे से पढ़ लो। ओवरऑल गेट जो है थोड़ा सा सिलेबस बढ़ा के इंजीनियरिंग सर्विसेज को टच करना शुरू कर दिया है, इसलिए गाइस मैं हमेशा तुम लोगों को बोलता रहता हूँ कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के क्वेश्चंस को बनाओ, जितना बनाओगे मेंस के क्वेश्चंस को थोड़ा सा इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस का जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली गेट में पूछ देता है उसको उठा करके एक पार्ट को, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं, अच्छे क्वेश्चन अगर आपके आ गए गेट पे तो है ना वहीं से पूछा जाता है। तो कन्वेंशनल क्वेश्चंस के कुछ कुछ पार्ट को बना लीजिए आप, अगर आपको नहीं आता समझ में तो आप मुझसे पूछिए मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरा चीज ये जो पैरामीटर्स है आपके जो चेंजेस आए हुए हैं इसको हड़बड़ाना नहीं है आपको, यानी कि बहुत सारे चेंज कर दिए, कुछ टर्म्स को एक्स्ट्रा टर्म को ऐड किया है, ठीक है हटाया कुछ नहीं है एक्स्ट्रा ऐड ही किया है और दूसरा कुछ बोल करके ऐड कर दिया है, जैसे अभी डिजिटल सर्किट का बोले। अब देखो तुम ध्यान से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम्स जो है डिजिटल सर्किट में नहीं पढ़ाते लोग की है ही नहीं सिलेबस में, मैं हमेशा पढ़ाता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम लेकर के, क्योंकि मैं हमेशा जो पढ़ाया हूं आप लोग को सिलेबस ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग सर्विसेज का,
और वो इतना बड़ा सिलेबस होता है, जैसे कि मेरा करंट में ईएमटी चल रहा है ना क्लासेस में, मैं उसको जो भी पढ़ाऊंगा मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ उसको, गेट तो पूरा यूं ही निचोड़ डालेगा वो, इंजीनियरिंग सर्विसेज को उसको क्वेश्चन कराऊंगा मेंस का बढ़िया बढ़िया सा, सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन कराऊंगा उसको मेंस का बढ़िया बढ़िया सा, या मेरे से ऑलरेडी जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता है कि मैं पूरे सिविल सर्विसेज पूरा इंजीनियरिंग सर्विसेज को यूपीएससी के ऊपर रगड़ करके क्वेश्चन को बनाता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए दोस्तों, क्लियर है। गेट टू यू फुसफुसी आप अपने से बनाते हो क्वेश्चन को, गेट का तो मैं जो है करवाता ही हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बट गेट का एकदम पूरा बच्चा लगता है आपको क्वेश्चन, अगर आप मेरे से अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा सोच बड़ा रखिए, छोटा सोच मत रखिए, है ना, सोच बड़ा रखेंगे क्वेश्चन छोटा वाला बनेगा अपने आप, डरना नहीं है अभी इस टाइम में, आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत है, कॉम्पिटिशन तगड़ा है बट आपके साथ चैलेंज है, इस चैलेंज को लेकर के निकलना है, आगे बढ़ना है, मुझे पीछे नहीं हटना है, इसके लिए चाहे जो भी कुछ करना पड़े, है ना। तो जो भी आपके नया सेक्शन है, जो भी आपके नया टॉपिक्स है, अगर आप उसमें से चाहते हैं कि अगर आप मुझे जो है इसको पढ़ना है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप मुझे जो है पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं उस पर वीडियो बनाता हुआ चला जाऊंगा। अभी कल परसों ही एक स्टूडेंट मैसेज की मुझे कि सर मुझे मैप एंड एमएल क्राइटेरिया पर बना दीजिए, मैंने आज ही बना के डाल दिया, ठीक है ना। सो गाइस कोई चेंजिंग नहीं है, एक्स्ट्रा टर्म ही दो चार टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया है, थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा और एफर्ट मारने की जरूरत है ना, और हमेशा खुश रहें और एकदम बढ़िया तरीके से हेल्दी तरीके से तैयारी करें, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।